है आपके test के लिए में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो कम टाइम में so, क्लियर करना बहुत जरूरी है आपके में जाने के लिए आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए so, आज में आपको फोर पॉइंट्स यहां पर लेके आई हूं जो आपको फॉलो करना है आपके जनरल टेस्ट के लिए और ये आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा सबसे पहला जो पॉइंट है गाइस ये है हमारा सिलेबस कंप्लीशन अगर अभी तक आपने जनरल टेस्ट जैसा कि आप सभी को पता है रीजनिंग जी के करंट अफेयर्स कंप्राइज होता है तो अगर आपने कोई भी ऐसा सेक्शन है उस को, को और ये भी आप तरीके से, कि क्या वो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में रेलिवेंट है क्या प्रीवियस ये पेपर्स में वो आ रहा है काफी बार अगर आ रहा है काफी बार तो अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो फटाफट से जाके उस टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहनी चाहिए

जब आप अपने सेलेबस को मोस्ट ऑफ द सेलेबस आप कंप्लीट कर लोगे रिविजन कर लोगे उसके बाद जो एक प्रीमियम चीज आती है वो आती है प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स पेपर दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको आ, क्या आना है राइट right? वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर बता देगा है ना वो कहते हैं ना कि जंगल में वो आ, आग का काम करता है प्रीवियस ईयर पेपर वही आपको यहाँ पे रास्ता दिखाएगा ठीक है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर सॉल्व कीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर में आपको पैटर्न आपको क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं सब कुछ आपका यहाँ पे आ, आपको मिल जाएगा उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मॉक टेस्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी में से रिविजन आपका सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट है आफ्टर यू कंप्लीट दिस सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी मॉक टेस्ट आप मॉक टेस्ट में एनालाइज अपने आप को कर पाओगे कि आप इतने सारे बच्चों में कहाँ स्टैंड कर रहे हो इसके साथ ही साथ एक और चीज बताना मॉक टेस्ट जो होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत रहती है कि मैम टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं हम तो आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि टेस्ट आपका फाइनल स्कोर नहीं होता एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सिर्फ आपको इम्प्रूव कराता है आपके अंदर की कहाँ कमी रह गई है उसको इम्प्रूव करो तो टेस्ट में जहाँ आप गलती कर रहे हो उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो आप उससे हताश मत हो कि नंबर नहीं आ रहे हैं नंबर आएंगे फाइनल एग्जामिनेशन में अभी मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट आप एनालाइज करने का प्रयास करो मॉक टेस्ट से कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है कहाँ पर हमको अच्छा करना है तो मॉक टेस्ट उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा मॉक टेस्ट के मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स नहीं होते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में वो मार्क्स मिल जाएंगे इसलिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है तो ये जो फोर पॉइंट्स है सिलेबस कंप्लीशन रिवीजन प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट यही आपको पाथ फॉलो करना है और तभी आप आ, आप एग्जामिनेशन में सक्सेस हो पाओगे ये ना सिर्फ जनरल टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि सारे डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है उसके साथ ही साथ मैं आपको एक आ, बात बताती हूं सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज uh, आप आप सभी को पता होगा आप सभी को पता होगा कि हमारी यहां पर बैच uh, लॉन्च हुई है दैट इज संभव सीटी क्यू बैच तो एक बार मैं उसको आउटलुक देना चाहू uh, देना चाहूंगी आप सभी को गाइज अभी पंद्रह दिन आपके यू नो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो एक बार आप सेलेबस तो आप कंप्लीट कर लोगे अच्छे से रिविजन भी कर लोगे लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे प्रीवियस एयर पेपर और जो मॉक जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो हम यहाँ पर एक बैच लेकर आ रहे हैं संभव सी टी क्यू बैच जो कि स्टार्ट हो आपकी थर्ड ऑफ मे से बोले तो परसों से आज फर्स्ट ऑफ मे थर्ड ऑफ मे से आपकी बैच स्टार्ट हो रही है अगर आपने अभी तक इस बैच में एनरोल नहीं किया है फटाफट से अडर ट्वेंटी फोर सेवन के ऐप पर जाके स्टोर सेक्शन में जाके इस बैच को परचेज कर सकते हैं ये आप देख पा रहे होंगे हमारी जनरल टेस्ट की बैच है इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे तरीके से यहां पर मिल जाएगा आपके जो प्रोमिनेंट टीचर्स हैं एक्सपर्ट्स हैं इंग्लिश के लिए आपको रोबेका मैम पढ़ाएंगी हनी सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे विवेक सर इंग्लिश और मैं आपको जीके एंड करंट अफेयर्स इस बैच में पढ़ाने वाली हूँ

नंबर्स हैं वन थाउजेंड फोर्टी नाइन आप यहाँ पे पार्टी दे दे हो अपने बर्थडे में है ना बर्थडे में पार्टी दे के आते हो एक हज़ार से ज़्यादा तो ये आप अपनी इन्वेस्ट कीजिए अपने एग्जामिनेशन परपज़ के लिए क्योंकि सी यू आपका ड्रीम है और आपको अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो हमने बात कर ली जनरल टेस्ट की हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए भी uh, यहाँ पर बैचेज हैं आर्ट्स डोमेन कॉमर्स डोमेन और साइंस डोमेन के लिए तो उनके लिए आपको क्या करना है अगेन आप अर्टर ट्वेंटी फोर सेवन के सेक्शन में जाइएगा आप अपने डोमेन को सेलेक्ट कीजिएगा ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आर्ट्स के लिए ठीक है आर्ट्स के लिए साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए हमारे पास सी टी क्यू बैच संभव सी टी क्यू बैच है ठीक है और इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा रिकॉर्डेड सेशंस लाइव क्लासेस पी डी एफ नोट्स प्रैक्टिस सेट सब कुछ ठीक है और आपको कूपन कोड यूज करना है वाई फोर फाइव फाइव वाई फोर फाइव फाइव और यहां पर अप्लाई कर देना है जैसे आप अप्लाई करते हो तो आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स के बैचेस हैं वो वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइनटी नाइन में मिल जाएगा गाइज अप्रैल अप्रैल एंड सेल चल रहा था अभी ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट है तो फटाफट -फड़ से जाके इस बैच को परचेज कर लीजिएगा राइट right? और जो कूपन कोड आप सभी लोग पूछ रहे थे मैम कौन सा कूपन कोड यूज करें वाई फोर फाइव फाइव फॉर्थी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए सो आई होप कि मैंने आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर पाई हो आप यू नो आपके एग्जामिनेशन के लिए सो so, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है एक लेवल में प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किए तो फटाफट फड़ से ये जो फोर पॉइंट मैंने आपको बताया उसको फॉलो करके आप अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन आई होप यू लव सेशन सो जय हिंद स्टूडेंट्स लव ऑल